पीएम चंपई सोरेन के लिए आज 5 फरवरी का दिन काफी अहम है। 5 फरवरी को विधानसभा में राज्यपाल के भाषण के बाद सरकार की तरफ से विश्वास मत पेश किया जाएगा। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर जारी कार्यक्रम के मुताबिक राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण 11 बजे अभिभाषण देंगे, उसके बाद सरकार की तरफ से विश्वास मत पेश किया जाएगा। इस पर चर्चा के बाद वाद विवाद और फिर मतदान होगा। जेएमएम विधायक चमरा लिंडा के आज विश्वास मत प्रस्ताव में शामिल होने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। चमरा लिंडा न तो सत्ताधारी दलों की पिछले दिनों की बैठक में शामिल हुए और न ही वो हैदराबाद गए थे। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो इस्तीफे के बाद शुरू से ही बहुमत का दावा करती आई है। झामुमो की तरफ से चंपई सोरेन आज सदन में बहुमत साबित करने के लिए आएंगे। झारखंड विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। पहले सत्र में राज्यपाल का भाषण होगा, जिसके बाद विधायी कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को विश्वास मत हासिल करना होगा। विशेष सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन के तमाम विधायक रविवार देर शाम हैदराबाद से रांची पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे तमाम विधायकों को सर्किट हाउस ले जाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक आज विश्वास मत के लिए विशेष सत्र में शामिल होने के लिए एक साथ विधानसभा पहुंचेंगे। आपको बता दें कि विश्वास प्रस्ताव के एक दिन पहले ही रविवार देर शाम को बीजेपी विधायकों की बैठक हुई है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में भानु प्रताप शाही ने कहा कि चंपई सोरेन सरकार कल विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान से ये लगता नहीं है कि सरकार जनहित के लिए बनी है। उन्होंने कहा कि सीएम चंपई सोरेन ने अपने शपथ के बाद स्वयं कहा है कि वो हेमंत सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। इससे साफ है कि चंपई सरकार हेमंत सरकार पार्ट 2 है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में बीजेपी फिर सरकार के कारनामों का भी प्रबल विरोध करेगी। सदन में पार्टी विश्वास प्रस्ताव के विरोध में रहेगी। तो वहीं जमीन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर रही है और वो ईडी की कस्टडी में है, लेकिन अदालत ने उन्हें झारखंड के विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।